गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू भिवाड़ी यूट्यूबर अंजू ब्लॉगर। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह 5:30 बजे हैं। ये घड़ी थोड़ी आगे है इसलिए मैं आपको टाइम दिखा रही थी, तो मुझे उठे भी कुछ टाइम हो गया था उससे। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो सुबह जो मॉर्निंग की क्लीनिंग होती है वही कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तो झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। यहाँ पे अंदर की मैं तो बस यहाँ पे मैंने लगा लिए झाड़ू, और यहाँ मैंने गेट भी खोल दिया है, और ये बस मैं यहाँ पे सीढ़ियों की भी झाड़ू लगा लूँगी साथ के साथ ही। तो गाइस अभी 6 बजे, 6 बजे तक मैंने अपने घर की पूरी क्लीनिंग कर दी, झाड़ू निकाल दी है, और अब मैं मॉपिंग का काम करूँगी। और यहाँ साथ ही साथ मैंने रख दिया पानी गर्म, तो यहाँ पानी भी गर्म हो रहा है, देखिए पानी भी गर्म हो चुका है दोनों में अच्छे से। तो यहाँ भी लूँगी, ये भी जग के ये नहाएंगी पहले, फिर मैं नहाऊँगी। इतना मैं अपनी कर लूँगी मॉपिंग घर की, पूरे घर की मॉपिंग कर लूँगी। इतने इसको बंद गर्म कर देती हूँ, थोड़ा मंदा कर देती हूँ। मैं जग तो काफ़ी देर गई थी, 5:30 बजे की जग गई थी, 5:30-5:15 बजे की, फिर मैंने थोड़ी देर बैठी, फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह चालू करी। अभी मैं पीती हूँ पानी। अब ये सर हार चुकी है, इन्होंने मुझे रात से बोला था कि ना कि सुबह 6 बजे पानी गर्म कर देना, तो मैंने यहाँ पानी गर्म करके दे दिया है। अब ये कह रहे मैं आके नहा लूंगा, क्योंकि ये 9-10 बजे तक आ जाते हैं और अब चले गए दोबारा से अपने बिस्तर में। तो अब देखना, मैंने इसमें कैचअप कर लिया, तो क्या पता नहा भी ले, क्या पता अभी अभी नहा भी ले ये। और अभी बच्चे वगैरह नहा सो रहे हैं, अभी बंद, तो अभी बच्चे सो रहे हैं, अभी 6 बजे है। तो झाड़ू लगाने के बाद, पानी पीने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मॉपिंग करने के लिए, और साथ ही साथ में एक बार मॉपिंग कर देती हूँ, और बाद में जो होता है ना मैं आगे बाद में करती हूँ, और पूरे घर की मॉपिंग कर लाई हूँ मैं यहाँ पे, और ये सीढ़ी वगैरह साथ ही साथ में कर लेके जाती हूँ। और फिर बस में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:30 बज रही है। साढ़े छः बजे, और 6:30 बजे तक मेरी झाड़ क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ पे, पूरी पूरी सारी चीज़ क्लीनिंग कर दी है मैंने। इसमें बच्चे कमरे में, बच्चे सो रहे हैं, इस कमरे को मैं बाद में क्लीन करूँगी। और मॉपिंग वगैरह सारी हो चुकी है, सीढ़ियों की भी हो चुकी है, यहाँ की हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है यहाँ पे। तो अभी पानी गर्म हो जाएगा तो मैं भी नहा लूँगी। और ये यहाँ पे मैंने ना कुछ आंवले रखे थे मेरे पे, मैंने इनको आंवले को बॉयल करा है, कि मैंने इतना मॉपिंग वगैरह करी तो मेरा आंवले बॉयल हो चुके हैं, तो इनको भी छान दूंगा। और इसका मैं यूज कर लूँगी, पानी को मैं यूज कर लूँगी किसी चीज़ में मैंने लिए। तो बस मेरा यहाँ अभी मॉर्निंग की क्लीनिंग तो पूरी हो चुकी है, बस मैं नीचे भी मोटर चलाने जाऊँगी, तो अब इसकी बैटरी इतने ख़त्म हो रही है, मैं इसको चार्ज की लगा के जा रही हूँ, तो फिर बाद में इसको दोबारा करती हूँ, इतने चार्ज हो जाता है थोड़ी देर में। आपसे नहा के फिर मिलती हूँ मैं आपसे। नहा ली और मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े भी धो लिए हैं, ठीक है, यहाँ मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर दिए नहाने के साथ साथ, और कुछ कपड़े हैं जो मैंने भिगो के रख रखे हैं, सांस भर है ना। नीचे गई थी मैं मोटर वगैरह बंद करने, तो मोटर क्या कहते हैं, हाँ कपड़े वॉश हो गए, नहा लिया मैंने, तो अब बनाऊंगी मैं बच्चों का लंच, फिर पूजा भी करनी है अभी। अभी ठाकुर जी उठा गए हैं, ये उठा गए, अभी मैं पूजा करूंगी, पहले मैं बच्चों के लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ, फिर मैं पूजा करूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है लंच, बच्चों का लंच बनाने का, क्योंकि स्कूल जाना है उनको, तो स्कूल के लिए वो रेडी हो रहे, तो मैं कर लेती हूँ आगे। तो लंच में बनाऊंगी मैं क्या, आलू के पराठे बनाऊंगी, मैंने आलू बॉईल कर दिया, यहाँ आलू बॉईल हो चुके हैं, तो सीटी निकालूँ, और यहाँ पानी भी गर्म हो चुका है, यहाँ बच्चों का पानी गर्म हो चुका है, और यह सारा ना ठाकुर जी के कपड़े भी वॉश कर दिए, ये देखिए यहाँ पे ठाकुर जी के कपड़े नहाकर वॉश कर दिए, अभी थोड़ा पानी निकल जाएगा, मैं इनको सुखा दूंगी। मैं बिना मेड के ही अपना ऐसे काम रोज प्रिपेयर करती हूँ, रोज करती हूँ इसी तरह से, क्योंकि मेरे मेड तो है नहीं जो काम करेंगी, तो मैं खुद ही करती हूँ इस तरह से। तो चलिए मैं अभी आगे करती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि मैं ना बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो मैं उसके लिए पहले लंच बना रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा मेरा आटा वगैरह फैल गया है, तो और यहाँ पे साथ के साथ मैं बना रही हूँ चाय, तो यहाँ मैंने चाय भी बना ली है साथ के साथ, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो बच्चे जाने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि फिर मैं आराम से पूजा करती हूँ, बच्चों के जाने के बाद यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ।
तो आप कहोगे तो एक दिन मैं अपनी पूरी पूजा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट में करके बताना। तो गाइज यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ज्योत वगैरह यहाँ जल रही है और यहाँ मैं पूजा कर चुकी हूँ, ठाकुर जी भी नहला दिए हैं और यहाँ पे सब बैठे हैं, और थोड़ी सी यहाँ पे धूप आई है अभी थोड़ी सी, और ये भी भगवान जी भी यहाँ धूप बैठेंगे क्योंकि अब सर्दी का टाइम है, और मैंने इनको गर्म कपड़े पहनाए हैं। देखिए अभी मैं इनके लिए और कपड़े भी लेके आऊँगी, बस मेरे को ना दो है 3-4 जोड़ी कपड़े, तो बस मैं यहाँ पे अभी इनके लिए और नए कपड़े लेके, है ना, मन करता रहता है इनके लिए नए नए कपड़े लेके आओ, तो मैं लेके आऊँगी अभी इनको। अब मैं चलती हूँ किचन में, किचन में बस बच्चों को दूध वगैरह गर्म करूँगी, तो यहाँ पे करूँगी दूध गर्म। तो ये रखा है अभी भगोनी में, ये रखा है, तो चलिए मैं कर लेती हूँ आगे का काम। अब बस मैं इनके लिए नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे ना इसको थोड़ी देर धूप में सुखा दिया है, धूप में सुखा दिया है, थोड़ी सी इसका मॉइस्चराइजर निकल जाएगा। चलते हैं मोटर बंद करने, टंकी भर चुकी है। तो गाइस यहाँ आ गई हूँ मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए। यहाँ मैंने 2 लीटर दूध लिया है यहाँ पे, तो मैं वो दूध को ही चढ़ा रही थी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर का पूरा पैकेट था और 2 छोटे पैकेट थे आधे आधे किलो के थे, और यहाँ मैंने गाजर पहले ही कस के रख ली थी। 2 किलो ही गाजर है मैंने, 2 किलो में थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ 2 किलो गाजर है। और मैंने ये दूध यहाँ बॉयल हो चुका था तो उसी में मैंने कच्ची गाजर डाल दी। आप बॉयल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने गाजर को बॉयल नहीं करा था और बीच बीच में चलाती जा रही थी, तो ये कुछ बन गया था, ये गाजर हलवा बनने में बन गया था, कुछ गाढ़ा हो गया था, तो मैं इसको साथ साथ चलाती भी जा रही थी, मैंने कि नीचे ना लग जाए, तो इसको मैं थोड़े थोड़े टाइम में तो चला गाइस दिया। इसमें और मैं यहाँ टेस्ट के देखो बन अकॉर्डिंग के चीनी तैयार हो डालूंगी गया है, मैं यहाँ तो पे। मैं इसमें चीनी डाल दी तो है मैंने जितनी यहाँ आप पे, खाना चाहो, तो अपने तो गाइस टेस्ट के मैंने इसमें अकॉर्डिंग टेस्ट मैंने के चीनी अकॉर्डिंग डाल चीनी दी, डाल जितना दी आप है, लोग खाना चाहो उतनी चीनी और इसमें ये डाल थोड़ी सकते देर हो, अब कोई बनने कम पे आ कोई गया है, ज़्यादा, इसको मैं थोड़ी लेकिन देर वही थोड़ी कंटिन्यू सी चलाती कम रह गई रहूंगी, थी चीनी, तो और उसमें अभी मैं चीनी थोड़ी सी थोड़ी और डाल ली पानी थी, छोड़ देगी, तो तो वो मैंने इसको यहाँ थोड़ा डाली इसको थी और मैं है, सुखा तो दूंगी, आप लोग ये डाल बिल्कुल सकते हो बनने जो पे भी आ चाहिए। गया है। तो और पानचीनी का पानी मैंने सूख इसको जाएगा अच्छे तो से मैं यहाँ यहाँ पे पे मिक्स मीठा कर दूंगी लिया इनके है लिए सारी थोड़ा। चीनी वगैरह को, तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, यहाँ पे काजू ले लिए, बादाम ले लिया और किशमिश ले लिए हैं मैंने इसमें, और मैंने इसमें 2-3 चम्मच इसमें घी ऐड कर दिया है जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाए। आपके पास अगर खोवा हो ना तो आप इसमें खोवा भी ऐड कर सकते हो, ये अब मेरे पास खोवा नहीं था तो मैंने खोवा ऐड नहीं करा, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिया, उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको थोड़ी देर तो के लिए गाइस यहाँ अब बन के बस तैयार हो बनने चुका दूंगी है मैं हलवा, तो इसमें, इसका पानी बस वगैरह दो मैंने से बिल्कुल पाँच सुखा सात दिया मिनट और है, यहाँ पे तो ये बन के एकदम तैयार रेडी हो चुका तैयार हो है गर्मा चुका है। गर्म। गाजर का तो हलवा मैं कर आप दूंगी लोग भी आ गैस को जाइए बंद, खाने अभी के गैस लिए, फैली पड़ी और है, देखिए कुछ इसका बनाते रंग हैं ना तो कैसा सारा फैली काला हो जाता है, गया, और तो अभी मैं बनना इसको था एकदम करूंगी, रेड रेड, ये अजीब सा काला अभी सा थोड़ा रंग ठंडा बन हो गया, जाएगा समझ जब भी से कैसे बर्तन में ये निकाल कैसे दूंगी। काला कलर का बना है, पता नहीं क्यों क्या हो गया। और यहाँ पे हम शाम को आ गए हैं शादी में, तो किसी हमारे यहाँ पड़ोस में शादी थी, उनके हम शादी में आ गए थे डिनर करने के लिए, तो बस यही यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग भी शादी को इंजॉय करना, यहाँ पे मुंह दिखाई चल रही थी दुल्हन की, लेकिन यहाँ पे ना वो उनके यहाँ पर्दा प्रथा है, तो उनके यहाँ दुल्हन ने पर्दा करके बैठी थी, तो अभी थोड़ी बहुत जो दिखाई देगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी सामने। ये जैसे जैसे थोड़ा बहुत क्लिप हो रहा था ना, वही मैंने आप यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया था बस। तो अगर मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और कोई न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसको शेयर कर देना और कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ बातें कर रही थी जो मेरे साथ नहीं होती, तो उनसे बात करती हूँ। अब मैं करती हूँ आपको यहाँ पर बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक कह करती हूँ बाय बाय।